एक पार्क बनाई है, तो मैंने एक जिमनर उनसे बात की कि आपके पास काफी पेशेंस है, आपने अच्छे से डेवलप किया, तो मैंने बोला और काजीपुर है हमारे पास दो डिपार्टमेंटल नर्सरी है, लेकिन क्वालिटी उस फूड में उतनी नहीं होती थी कि ताकि हम लोग जो मार्केट में उसको अच्छा पैसा मिल जाए। तो इस टाइम गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें 50% सब्सिडी, अगर 50% जो ग्रोअर है अगर वो चाहे कि वो 50% जो उसका शेयर है उसमें से 40% उसको बैंक भी स्पॉन्सर करेगा, 10% ही उसमें ग्रोअर को देना है। जो ये हमारे एक्सपर्ट आए हैं क्या? अच्छा, आप हैं, तो केवी के से हमारे एक्सपर्ट हैं, वो अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ आपसे जिक्र करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्कीम्स और इंसेंटिव्स के बारे में बताएंगे, कहाँ पे हम गवर्नमेंट से फायदा ले सकते हैं। अपने अल्टीमेटली अगर आपको कोई नॉलेज जरूरत हो, स्पेशली जो हमारे यूथ है, जो हमारे कॉलेज से बच्चे हैं, उन तक कैसे पहुंचे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल कि किस तरीके से हम डिपार्टमेंट या हम लोग जो यहाँ पर ऑन द अदर साइड है, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट कर पाए हॉर्टिकल्चर का, कैसा एक लुक्रेटिव है और किस तरीके से यूथ और रजिस्टर्ड है, हमारे एनआरओ के पास रजिस्टर्ड है, वो 278 है, वादी का वादी में या यूटी में जो भी पौधे इस्तेमाल होते हैं उनका ज्यादातर कुलगाम से ही जाता है, इसलिए कुलगाम का इसमें खसूसियत हासिल है पूरी कश्मीर में। बागवानी की तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे मैंने कटवा, इस हवाले से थोड़ा बताइए। ये आज डिस्ट्रिक्ट कोलगाम में हमें डिस्ट्रिक्ट इवेंट होता है हर एक, जिसमें चीफ साहब उनको पैसा मिलता है कि एक बड़े लेवल पर एक कैंप करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट ग्रोवर्स हैं या डी साहब है या DDC मेंबर्स हैं, इनको भी शामिल करें और इसके अच्छे से कवरेज भी मिले। ये मेन मतलब है अवेयरनेस का ही। तो जो अभी आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोलगाम में यहाँ इनिशिएट किया है, इसमें तो एक तो चीफ साहब भी थे, SMS साहब भी थे और जो बाकी KVK वाले भी थे, एग्रीकल्चर वाले भी थे, इसमें डी साहब ने भी शिरकत की, फिर DDC चेयरमैन ने भी शिरकत की, कुछ ये जो सरपंच हजरा थे उनने भी शिरकत की, इसके अलावा यहाँ से उनने खुशी तौर पर मदद किया थे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, बॉयज़ कॉलेज हैं या वुमेन कॉलेज हैं, उनसे भी लड़के और लड़कियाँ यहाँ तालिबात यहाँ उनने भी शिरकत की, ताकि जो हमारी नई पौधे हैं इनको भी पता चले कि डिपार्टमेंट क्या है, इसका क्या काम है, इसका क्या पोटेंशियल है, इसमें स्कीम्स क्या है, उनको भी इंटरेस्ट लगे। क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो हमारी नई पौधे है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से दूर भाग रहे हैं। तो जब तक ना ऐसे प्रोग्राम किए जाएँ ताकि उनको पता चले कि इसमें क्या पोटेंशियल है और इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, ताकि जो हम अभी इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है, जो भी हाई डेंसिटी में हम देख रहे हैं, वो तो उसी के लिए है ताकि हम कंपटीशन में पूरे उतर सके। अब वॉलट में भी हाई डेंसिटी आ गया, अब नेक्स्ट ईयर से चेरी में भी हाई डेंसिटी आ गया, अब KVK भी इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ने किया है, तो मुख्तलिफ इवन ग्रेप्स भी आपने देखा है, वहाँ होगा एक फार्मर ने लाया था, उसकी ग्रेप्स की अच्छी प्रोडक्शन।